इस वीडियो में हम देखेंगे कि टैन थीटा और कॉट थीटा का सम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे। तो आपको ये बात पता होगी कि टैन को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पर लिख दो, और कॉट को हम इसका रेसिप्रोकल यानी कॉस थीटा और साइन थीटा लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे लिखें, चलो टैन की जगह पे हम लिख देते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट की जगह पे हम लिख देते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो अब इसका एलसीएम ले लें, इसको इसमें मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, इसको इसमें कॉस स्क्वायर थीटा, और बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है, ये हो जाएगा इक्वल टू वन। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, है ना। तो वन बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको आप अलग अलग इंडिविजुअली भी लिख सकते हो, वन बाय साइन थीटा इंटू वन बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो वन बाय साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा इंटू वन बाय कॉस इक्वल टू होता है सेक थीटा। तो बस यहाँ पर हो गया ये प्रूफ, यहाँ यानी टैन थीटा और कॉट थीटा का सम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा।